इस काम को कर पाएंगे, लेकिन वर्कफोर्स एनालिसिस जब हमने किया तो हमारे पास अभी प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉइज हैं, 1200 यानी कितने एम्प्लॉइज कम है दोस्तों, तो हम अभी नए कितने एम्प्लॉइज अपॉइंट करेंगे 200। ये क्या हो गया, कंपैरिजन बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। ओके मैं कंप्लीट रीड करता हूं। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट व्हिच मींस फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। अल्टीमेटली एस्टिमेट लगाने के फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कितने तरह के या कौन से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल। जस्ट ये नहीं कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, टाइप ऑफ पीपल भी, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल एक्सेट्रा, वो चीजें सोचना। टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल टू हुम वी नीड टू अपॉइंट। जैसे आपने एक ऑडिटर अपॉइंट करना है तो कंपनसरी बट आपने सीए को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। आपने एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना तो आप कंपनी सेक्रेटरी जिसकी क्वालिफिकेशन सीए हो आप उसको अपॉइंट कर लो, ठीक है। व्हाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस वुमेन फोर्स एंड माइनॉरिटी। बेटा गवर्नमेंट के यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जहां पे आपने प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि बैकवर्ड क्लास एम्प्लॉइज आपने इसमें से कितने अपॉइंट। जैसे गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है उसमें एससी बीसी ओबीसी एक्सेट्रा ये कोर मेंशन होता है सब कुछ कि उनकी कितनी वैकेंसी है, इस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी, जनरल की कितनी वैकेंसी। सो फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनीज विल टेक फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। वर्कलोड एनालिसिस दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वर्कलोड एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर कितने एम्प्लॉय एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन इन हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। जितने तरह के हमने अलग अलग जॉब या काम बना रखे हैं उनको देखते हुए हमें कितने एम्प्लॉय कौन से कैटेगरी वाले चाहिए, किस टाइप वाले। वर्कफोर्स एनालिसिस इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन। एक एम्प्लॉय की कमी पड़ रही है, फिर हमने देखा कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 8 घंटे काम जरूर करते हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी उनका आउटपुट ना सिर्फ 5 घंटे क्योंकि काम का कोई प्रेशर ही नहीं होता उनके ऊपर, तो वो अंडरबर्डन है। तो उनको सर थोड़ा सा बर्डन और बढ़ाओ, आपको शायद उस एडिशनल एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये चीज भी देख लो। अगर ओवरबर्डन है तो पॉसिबल है सर एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, सर आपने तो बर्डन बहुत ज्यादा डाल रखा हमारे ऊपर, हम जॉब नहीं करेंगे, तो बेटर रहेगा आप कुछ एडिशनल एम्प्लॉय अपॉइंट कर लो कि वो उनका काम शेयर कर लें। ओके कंपैरिजन आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेटेड अंडर स्टाफिंग एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल वेयर एज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड इंडिकेटेड ओवर स्टाफिंग एंड यू नीड टू रिमूव और ट्रांसफर सम एम्प्लॉइज एल्सवेयर। यानी वर्कलोड एनालिसिस कहता है 1400 एम्प्लॉय चाहिए, आपने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखे हैं 1200 यानी कम अपॉइंट कर रखे हैं, 200 और अपॉइंट करो। वर्कलोड एनालिसिस कहता है 1400 आपने अपॉइंट कर रखे हैं ऑलरेडी 1500 यानी आपने 100 एम्प्लॉय ज्यादा अपॉइंट कर रखे हैं, तो इनको क्या करो सर रिमूव कर दो, हटा दो कंपनी से, निकाल दो इनको नौकरी से, ठीक है सर। As both overstaffing as well as understaffing are undesirable. ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कंपनी में नहीं होनी चाहिए, ना तो overstaffing ना ही understaffing. The manager tried to find out the manpower requirement by equating workload analysis to workforce analysis. उनकी कोशिश क्या रहती है, इन दोनों को बराबर किया था, जितनी हमको जरूरत है उतने हमारे पास employee हो। Second point, estimate करने के बाद क्या, estimate करने के बाद है recruitment. Estimate करने के बाद बेटा next step क्या होता है हमारा, recruitment. What is recruitment? रिक्रूटमेंट का मतलब है, सेकंड पॉइंट है बेटा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब है हमने मैन पावर एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, 500 एम्प्लॉय चाहिए हमें अभी जरूरत है, ठीक है। अभी सर ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, प्रॉपर बता दिया 200 एम्प्लॉय ऐसे चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई हो, 100 एम्प्लॉय ऐसे चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम हो, 100 एम्प्लॉय ऐसे चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हो,
एंड वन एंड एम्प्लॉय एसोसिएट इनटू क्वालिफिकेशन बीटेक हो. हमने प्रॉपर बता दी कौन सी फील्ड में सब कुछ हमने मेंशन कर दिया. इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं. इंड्यूस कर रहे हैं यानी हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आए और हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, तो रिक्रूटमेंट डजंट मीन कि आपने उनको नौकरी दे दी. रिक्रूटमेंट का मतलब वो प्रोसेस है जिसमें आप एम्प्लॉयज को बस इंड्यूस कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो कि आओ हमारी कंपनी में वैकेंसी और आप ट्राई करो, आप अप्लाई करो. ओके, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट. क्यों किया जाता है, पोस्ट भले ही 500 हो ताकि कंपनी ये चाहती है कि हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा है. जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी तो कुछ बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे तो कुछ बहुत वीक कैंडिडेट होंगे और हमारे पास सिलेक्शन का एक बड़ा एरिया हमको मिल जाएगा ताकि हम बिल्कुल बेस्ट एम्प्लॉयज को कहीं छटने कर सके छाट सके. ओके, इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन देन इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट. बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फिल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर ऐसा पॉसिबल है कि सर आपको ये जो एम्प्लॉय चाहिए ना, हमारे पास दूसरी फैक्ट्री है वहां पे ये बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो अंडरपर्ड रन है, उनके पास एक्सेस कोई काम है ही नहीं, तो उनको आप वहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा. वो आपके खुद के एम्प्लॉय हैं, वो ट्रेंड भी है ना, ना ही आपने उनको एक्सेस कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ठीक है, उनको कंपनी का एनवायरमेंट भी पता है, उनको वर्क प्रोसेस भी पता है प्रॉपर, ना ही आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी बेकार में. बिल्कुल आपने जस्ट कंपनी में इंटरनल अरेंजमेंट्स करने हैं आपने. लेकिन यूजुअली ऐसा बहुत कम लेवल पे होता है क्योंकि अगर वो लोग वहां से आएंगे तो फिर वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो ऐसा यूजुअली तभी पॉसिबल है जब वो लोग वहां पे या तो ओवर स्टाफिंग रखी हो एक जगह पे, या फिर स्टाफिंग अगर रीजनेबल भी हो तो वो अगर अंडर बर्डन हो कि ठीक है भाई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है तो आप वहां पे आ जाओ, यहाँ पे तो काम चल ही जाएगा. ओके, टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन से contacted the